तो गाइस अब WWE का नेक्स्ट इवेंट होने वाला है पेबैक, और इस वीडियो में लेकर आए हैं इशो की मैच कार्ड प्रेडिक्शंस, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इशो का पहला मैच है एक सिक्स मैन टैग टीम मैच, द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस केविन ओवेंस एंड सेमी ज़ेन एंड द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस फिन बैलर, द नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन डोमिनिक मिस्टीरियो, सीनियर मनी इन द बैंक डेमियन प्रीस्ट, द जजमेंट डे। अगला मैच है WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए एक ट्रिपल थ्रेट मैच, द न्यू चैंपियन इयो शिराई अपना टाइटल डिफेंड करने वाली हैं अगेंस्ट द क्वीन शार्लेट फ्लेयर एंड द फॉर्मर वुमेन्स चैंपियन आस्का। और अगला मैच है मंडे नाइट रॉ से एक स्पेशल सिंगल्स मैच, द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर वर्सेस द ओरिजिनल ब्रो मैटेडर। वैसे तो फिलहाल ये दोनों सुपरस्टार्स एक टैग टीम के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी कुछ हफ्तों में मैकइंटायर टर्न होने वाले हैं रिडल पर, और शायद हमको पेबैक में इन दोनों के बीच एक सिंगल्स मैच देखने को मिल सकता है। अगला मैच है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए एक सिंगल्स मैच, द न्यू चैंपियन द लूचा लेजेंड रे मिस्टीरियो अपना टाइटल डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी। मेरे हिसाब से ऑस्टिन थ्योरी को रीमैच पेबैक में ही मिलने वाला है। और नेक्स्ट मैच है एक फर्स्ट टाइम और सिंगल्स मैच, द मेगा स्टार एल ए नाइट वर्सेज द टू टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन द एलिस्टर द मिज। और इसके बाद होने वाला है शो का मेन इवेंट, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच, द विजनरी द रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रिकिन रॉलिंस अपना टाइटल डिफेंड करेंगे अगेंस्ट द किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल शिंसुके नाकामुरा। इस रो पर सेथ ने कंफर्म कर दिया है कि वो शिंसुके नाकामुरा को टाइटल अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं, और मेरे हिसाब से ये सिंगल्स मैच हमको पेबैक के न्यू इवेंट पर ही देखने को मिलने वाला है। तो गाइस ये थी माई मैच कार्ड प्रेडिक्शंस फॉर पेबैक 2023। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप कमेंट सेक्शन में इस मैच कार्ड की अपनी विनर्स प्रेडिक्शन बता सकते हैं। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।